जो नीट का पेपर आउट हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हठधर्मिता कर रही है, 23-24 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला इनसे नहीं हो रहा है, उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनका पेपर लीक हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किस प्रकार से एक गलत माहौल बना करके बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, इन्होंने पूरे प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल पैदा करके और सत्ता लूट ली। और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो ये नीट को क्यों नहीं निरस्त कर रहे, प्रमाणित हो गया, सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुटाराघात हुआ है, ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इशारे पे इशारे कर रहा है कि काउंसलिंग क्यों रोके, ये निरस्ती हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका बड़ा घोटाला किया हुआ है, इन्होंने चोरी की है। इसलिए हम लोग जो AICC ने तय किया है कि पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि बच्चों के साथ में न्याय करें।